राज्य के पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि निषाद समाज का आरक्षण के लिए वह अनवरत संघर्ष करेंगे। उन्होंने निषाद समाज को आरक्षण दिए जाने की मांग करते हुए कहा केंद्र सरकार निषादों के साथ छल कर रही है। श्री सहनी आज अपनी सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते कर रहे थे। इसके पूर्व विकासशील इंसान पार्टी और बिहार निषाद संघ की संयुक्त बैठक भी हुई। बैठक में निषादों के आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के साथ संघर्ष करने के लिए रणनीति तैयार किया गया। आप सभी को पता ही है कि हम लोग बिहार में निषाद समुदाय को गत अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते इस जगह तक पहुँचे हैं। आज सरकार का हिस्सा है, बिहार में मंत्री हैं, लेकिन हमारा प्रमुख मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए अभी जो केंद्र सरकार पता चला कहीं ना कहीं वहाँ पे फुटबॉल के जैसे घुमाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो मैं हम लोग अपने समाज के साथ बेहतर कर रहे हैं कि मजबूती से पूरे बिहार में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूती से ये करें और आने वाले समय में इतनी ताकत बना दें कि केंद्र सरकार मजबूर हो आपको आरक्षण देने के लिए। क्योंकि जब बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? और आज अगर कोई देना नहीं चाह रहा तो बात अलग है, लेकिन मेरा तो अधिकार है क्योंकि बंगाल से ही अलग हुआ है बिहार। क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक ही राज्य था, लेकिन जब एक ही राज्य था और एक राज्य में अगर बंटवारा होने से अगर निषाद अगर अलग हो जाए तो ऐसी तो बात नहीं है। केंद्र सरकार के गेजेट में क्लियर लिखा है कि बिहार देश में निषाद समाज अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति एससी एसटी में पाया जा रहा है, जैसे बंगाल में है। तो उसी को लेकर सरकार थोड़ा, केंद्र सरकार आज़ादी से लेकर अब तक तो घुमा ही रहे हैं, लेकिन मुझे खास करके एनडीए सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि हमारे आरक्षण न हो। क्योंकि हम एक महीना पहले भी हम गृह मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने भी इच्छा जाहिर किया कि आने वाले समय में हम बंगाल चुनाव के बाद इस पर आरक्षण पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में हमें पता चला कि वहाँ पे नोटिफिकेशन किया गया कि कोई मापदंड भी आपका बिहार में आरक्षण में नहीं आ पा। तो खैर अभी हम गृह मंत्री जी का जो बात रखे हैं उस पर हम अभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी किसी के भरोसा रहने वाले नहीं हैं। हम अपने आप को मजबूत होंगे, ताकत में होंगे। आज लड़ाई लड़ते लड़ते सरकार का हिस्सा बन गया, तो आने वाले समय में लड़ाई लड़ते लड़ते हम दिल्ली सरकार का हिस्सा बनेंगे और मजबूती से हमारा अधिकार है और आने वाले समय में आरक्षण लेकर रहेंगे। निश्चित तौर पर आंदोलन की राह होगा और अभी बिहार से लड़ाई हम दिल्ली तक पहुँचेंगे और हम सरकार चाहे वो हमारे अपने हो लेकिन समाज की बात होगा तो उनके लिए हम सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे आज हमारा सरकार बिहार में एनडीए गठबंधन है, हमारे एनडीए गठबंधन दिल्ली में नहीं है, हम बिहार में हैं। अभी हम इतना मजबूत होंगे कि हमारी गठबंधन दिल्ली तक पहुँचे, हमारे सांसद वहाँ तक पहुँचे और निषाद समाज का हक अधिकार की आवाज़ वहाँ पर बुलंद करें। आज हम बिहार में जो निषाद समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है या कहीं कोई गलत हो रहा है, तो आज सरकार में हम हैं, निश्चित तौर पर पॉलिसी में बदलाव ला रहे हैं और निषाद समाज का अधिकार निषाद को मिले। आज वही हमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मिला है, तो यहाँ पे तो हम अपने लोगों को न्याय दे पाएंगे, लेकिन दिल्ली में हमारे लोग नहीं हैं। तो हमारा पार्टी का संगठन का मुख्य लक्ष्य होगा कि मजबूती से बिहार प्रदेश में काम करें ताकि आने वाले समय में हमारे सांसद दिल्ली में हो और हम वहाँ पर अपनी लड़ाई को अंजाम दें और आरक्षण आने वाले हमारा वो बनाया गया रिपोर्ट है और फिल्डिंग रिपोर्ट है, सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया गया, ये नहीं देने का बहाना है, घुमाना है कि आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे, ये लाइए वो लाइए। जब देने की बात होगा तो निश्चित तौर पे सरकार एक ही बात को मापदंड बढ़ाए। जब हमारे भाई को पूर्णिया के बगल में बंगाल आता है और बंगाल में आरक्षण है तो पूर्णिया के साइड में बिहार जब आ जाता है बॉर्डर में तो यहाँ पे क्यों नहीं आरक्षण है? जब एक पंचायत इधर जाइए तो आरक्षण है, इस पंचायत में जाइए तो आरक्षण नहीं है। तो ये आधार बनाइए और आरक्षण दीजिए जो ऑलरेडी मिला हुआ है। मैं कोई नया आरक्षण मांगने के लिए जाऊंगा तो 50 तरह के पेपर की आवश्यकता है, जब हम पुराने हम हैं ऑलरेडी आरक्षण में, सिर्फ किसी कारण हमारा उस सूची में नाम नहीं है, हम सूची में नाम को दर्ज कराना चाहते हैं। तो ये नहीं देने का कई ऐसे बहाना होता है सरकार के, और ये सिर्फ एनडीए सरकार ही नहीं कर रहे, ये यूपीए में भी हो चुका है। जब केंद्र में यूपीए सरकार था तभी भी इस तरीके से समस्या हुआ है। तो अभी हम आज लड़ने लायक बन चुके हैं, आज बिहार में लड़कर तो हम अपने मुकाम हासिल किए हैं और आने वाले समय में उसी तरीके से जो जुनून के साथ आने वाले समय में दिल्ली में भी अपनी सरकार बना के आ रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर राज्य सरकार का जो रिपोर्ट गया संतुष्ट है और नहीं देने का बहाना है।
फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर ग्राउंड फ्लोर सरियागंज मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार इस्लामपुर रोड मुजफ्फरपुर, चंद्रान आईएएस एकेडमी मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम भुजियावाला चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड जियो जिंदगी बेहिचक उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर जवाहरलाल रोड मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीव, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।